जोड़ेंगे बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट को शेयर की चाल अद्भुत रही है कल यह रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया नए रिकॉर्ड हाइस पर इनफैक्ट यह ट्रेड कर रहा है और साल भर में एक परसेंट का रिटर्न हमने देखा है बिड़ला सॉफ्ट के शेयर में नतीजों की बात करें तो नतीजे ठीक ठाक रहे अच्छे रहे आय में ढाई परसेंट की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफे की बात करें तो ग्यारह परसेंट की बढ़त रही है मार्जिन भी कंपनी ने इंप्रूव किया है इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी की ग्रुप सी एफ कामिनी शाह कामिनी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए स्वागत है आपका स्वदेश पर कामिनी जी आप ये बताइए मैम कि किस कि तरह का मोमेंटम आपको लग रहा है बिजनेस को लेकर आपको लगता है कि जिस तरह से एक्टिविटीज चल रही है और ये जो सुधार है आने वाली तिमाही में भी ये जारी रहेगा यहाँ से ओके सो थैंक यू अभिषेक फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल Is still very at this point of time. हमने जो कहा था हमारे सीईओ ने कहा थार और इसी पे ही हम लोग फोकस रहे हैं अभी मैक्रो इकोनॉमिक इज वेरी अनसर्टन पता नहीं कि कैसे रहेगा बट I think, we, given we are a small company, I think we are just focused on execution. We are hoping that uh, it will continue from here. As far as margins are concerned, ye, traditionally it's always been a very soft quarter as far as Q3 is concerned. But hamne, we have done a lot of operational improvements, uh, just utilization, pyramid, karke, that is how we have retained our margins and we intend to continue in that direction. Jim. Jim. कामनी जैसा कि आपने कहा था आपका स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी सुना भी कि अगले दो से तीन साल में बिलियन डॉलर कंपनी बनाने का इरादा है सॉफ्ट को। तो इसके लिए मैम आप क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं, क्या कुछ अनोखा कर रही हैं और आप किस तरह से इनोवेशन पर कंपनी फोकस कर रही है कपल ऑफ थिंग्स कर रहे हैं एक तो पहले वी आर फोकस्ड ऑन मेकिंग करते हैं

That's the second area of focus. The third thing is the uh, announcement that we are we have got a new uh, CEO for the rest of the world. Rest of the world outside of America's business. to 85% of is America's, and 15% outside America's है. We have a leader for that. Or is geography focus? So these are I think the three broad areas that we are looking at in terms of driving growth in the further. And last but not the least, we have communicated that we have an internal ek program dala hua hai, which is called Optimus. This is basically to drive a lot of efficiencies and new, use new age technologies uh, so that uh, it uh, we can simplify our processes, drive a lot of analysis and uh, for our sales leaders and delivery leaders so that they are able to spend more time in the marketplace and drive a lot of automation.

और आगे का आउटलुक भी हमारे साथ शेयर किया बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके uh, बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट से बातचीत करे थे और हमारी आज की एक्सपर्ट स्नेहा जुड़ गई है स्नेहा बिड़ला सॉफ्ट आज भले ही लाल निशान में थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन अद्भुत इसकी चाल रही है चार्ट्स अगर देखेंगे साल भर में तो कभी थकान के संकेत शेयर में दिए नहीं है यहां से आप किस तरह के रिटर्न देख रही है में? अगर कोई होल्ड करता है तो स्नेहा जी स्नेहा जी आप तक आवाज पहुंच रही है हेलो आपको आवाज आ रही है स्नेहा जी कुछ तो कुछ तो दिक्कत है कुछ दिक्कत है अविनाश जी के पास चलेंगे अविनाश जी बिरला सॉफ्ट एक समय था कि आ, आ, सबसे कमजोर प्रदर्शन वाली कंपनी थी और अब पिछला साल भर जो रहा है वो एक तरह से आ, ड्रीम रन की तरह रहा है बिरला सॉफ्ट के निवेशकों के लिए आपकी सलाह क्या होगी शेयर को लेकर जिनके पास है क्या वो मुनाफा वसूली के बारे में सोचें या फिर अभी निवेशित रहें तो और अच्छे रिटर्न मिलेंगे नहीं मुझे लग रहा है कि अभिषेक जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव है नंबर्स भी मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर आ गए हैं और प्लस जिस प्रकार की इनकी स्ट्रेटेजी अभी आर कंट्रीज में है प्लस यूएस में आई थिंक इनकी ऑर्डर ट्रैक्शन काफी अच्छी है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आई थिंक एक हाथ दो क्वार्टर के बाद जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की ग्रोथ तो और थोड़ा बड़ी मात्रा में आएगा तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए मिड कैप में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है और मुझे लग रहा है कि मिड कैप मिडकैटी एक ऐसा स्पेस है जहां पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकती है तो जिनके पास सिक्स टू ट्वेल्व मंथस का नजरिया है मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी अच्छा हो सकता है तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू बुक आउट जिन्होंने पहले खरीदा है थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे स्पेंड करे और जहाँ ट्रैक्शन की बात है मुझे लग रहा है कि मार्च के क्वार्टर के बाद होपफुली अगर थोड़े से और ऑर्डर विंस आते हैं तो मार्केट को और कॉन्फिडेंस होगा और यहाँ से और रिलेटिंग होने की पॉसिबिलिटी री रेटिंग होने की संभावना है बिरला सॉफ्ट